हे वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, प्राइज एक्शन फ्री लर्निंग कोर्स की सीरीज में ये हमारा पांचवा या छठवां वीडियो है। ये हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम बेसिक्स जीरो से एडवांस तक की प्राइज एक्शन सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में किस तरीके से ओनली कैंडल्स, प्राइज एक्शन का मतलब क्या होता है, ओनली चार्ट को देख करके हमें ये पता करना होता है कि मार्केट का क्या साइकोलॉजी है, क्या सेंटीमेंट है, मार्केट कितना मूव देगा। ट्रेड करोगे तो कैंडल्स को चार्ट को देख करके ही करने वाले हो आप, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि किस तरीके से पता चलता है कि मार्केट का जो मूव चल रहा है वो अभी डाउन साइड में कंटिन्यू है या फिर अप साइड में कंटिन्यू है। जैसे आज का मूव है वो ऊपर ही रहा, छोटे छोटे रिट्रेस करने आया मार्केट, लेकिन मार्केट अप साइड में ही गया, क्लोज दिया उसने ऊपर ही। ऐसे ही परसों फ्राइडे की बात करें तो मार्केट गिरता गया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे। तो ये कैसे पता चलता है, इसको हम कैंडल्स के बेस पर आइडेंटिफाई करेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, सो पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपने स्किप कर दिया तो दिक्कत हो सकती है, आपके कुछ पॉइंट्स मिस हो सकते हैं, सो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज है, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको किस तरीके से इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार अपने चार्ट को शेयर कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, आज ये हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट है, निफ्टी बैंक का चार्ट है। अब इसमें हमको ये देखना है, 9 सितंबर का चार्ट है, कि मार्केट आज अप साइड में ही मूव दे रहा है। किस तरीके से हमें पता चलता है कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है इतना ज़्यादा बुलिश है कि मार्केट ऊपर ही चल जाएगा, या फिर आप देखो कि मार्केट, आपको क्या लगता होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर गया फिर ये थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा था। अभी मैं ये हटा देता हूँ उसको, ठीक है, इसका यूज नहीं करना हमको प्राइज एक्शन में, ठीक है, बिल्कुल भी। आप देखोगे मार्केट ऊपर गया एकदम से, फिर तो थोड़ा थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसने यहाँ पर थोड़ा सा नीचे मूव दिया, फिर एकदम बड़ी सी कैंडल बनाई, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से एकदम बड़ी सी कैंडल बना करके मार्केट नीचे गया, फिर थोड़ा सा नीचे गया। तो फिर इस तरीके से कैसे चलेगा ये, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट इतना बुलिश है कि ये भले ही छोटे छोटे रिट्रेस कर रहा है कि मार्केट, लेकिन मार्केट ऊपर ही रहने वाला है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे इससे एक दिन पहले का चार्ट है हमारा फ्राइडे का, उसको भी देख लेते हैं। जैसे ये चार्ट है हमारा, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे देखो ये मार्केट गिरता गया, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से थोड़ा सा ये ऊपर मूव दिया, फिर मार्केट नीचे आ गया। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसको देखने का एक सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ आप लोगों को। देखो मार्केट हमारा यहाँ ओपन होता है यहाँ पे, और यहाँ से इस जगह पर आकर के ये सपोर्टिंग जोन है। आपने मेरा अगर आज का पिछला वीडियो वाला वीडियो देखा है तो उसमें आपको बताया ये सपोर्टिंग जोन है यहाँ पे, ये वाला क्या है, सपोर्टिंग जोन है। यहाँ पे सपोर्ट लेता है मार्केट और एक भयंकर अच्छी मूव देता है ऊपर, फिर मार्केट थोड़ा सा गिरता है, फिर एकदम स्पाइक मारता है। तो इसको देखने का सबसे सिंपल तरीका ये है, देखो जब भी मार्केट जाएगा, जब भी मार्केट मान लो बुलिश है, अप साइड में बुलिश है, या फिर मान लीजिए डाउन साइड में बियर है मार्केट, तो इसको देखने का सिंपल सा तरीका है चार्ट को देख करके कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखो हम एक चीज देखेंगे, मार्केट जब जा रहा है ऊपर तो बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है, ठीक है, और जब आ रहा है मार्केट नीचे तो छोटी मोटी मरी हुई जिनमें दम नहीं ऐसा लगता है, छोटी मोटी कैंडल बना रहा है। मतलब एक तो कैंडल के हिसाब से हो गया, ठीक है, प्लस मार्केट जब जा रहा है तो ऊपर जो मूव दे रहा है वो एक दो कैंडल में या फिर तीन कैंडल में बहुत बड़ा मूव दे रहा है, और उसके विपरीत जब मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे, यहां से यहां तक देखोगे कम से कम ये 10-15 कैंडल है, यहां तक आने में सेलर्स के पसीने छूट गए, मतलब बड़ी मशक्कत के बाद मार्केट को यहां तक लेकर आए। और फिर उसके बाद क्या होता है, एक दो तीन चार पांच कैंडल में इससे बड़ा मूव। तो यहां पर ऐसे आगे और आगे देखेंगे हम यहां पे, तो मार्केट यहाँ पे, अच्छा ये वाला जो जोन है यहाँ पे आप देखोगे, ये यहाँ पे मार्केट ने बहुत मशक्कत की नीचे आने के लिए यहाँ पे, ठीक है, बहुत कितनी कैंडल बनी है। जब मार्केट ऊपर गया तो एक ही मतलब दो तीन कैंडल में इससे बड़ा मूव दे दिया, जितना गिरा उससे ऊपर निकल गया मार्केट, ठीक है। अगेन मार्केट यहाँ पे गिरा, यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसा जोन है, यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गिर गया मार्केट, इसका मैं बताता हूँ आपको क्या होता है इसका। जब मार्केट में 11:30 या फिर 11 बजे का टाइम हो जाता है ना, 11:30 से 11 बजे के आसपास मार्केट या तो साइडवेज होता है, या तो साइडवेज होता है या फिर एक बार रिट्रेस करने आएगा। तो यहाँ पे जब मार्केट आया है, इसको भी देख लेते हैं, तो छोटी ही कैंडल बनाकर आया है मार्केट, ऐसी कोई बड़ी कैंडल नहीं बनी है, ऐसी कोई बड़ी कैंडल नहीं बनी है, ठीक है, छोटी ही कैंडल बनाकर आया है।
और यहाँ पर देखो जब मार्केट जब ऊपर गया तो यहाँ पे ये हमारा सैटरडे होने का टाइम है ये वाला, ठीक है, 11:30 से 1 बजे तक का जो मार्केट होता है हमारा, ये सैटरडे होने का टाइम होता है। फिर यहाँ पे जब ऊपर गया मार्केट तो एकदम से 2 कैंडल निकाले और 2-3 कैंडल में इसने हाई को ब्रेक कर दिया देखो ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट में स्ट्रांगनेस किधर है, स्ट्रांगनेस किधर है मार्केट में, ऐसे यहाँ पे देखेंगे हम। यहाँ पर मार्केट बड़ी मशक्कत से 8-10 कैंडल बनाकर कितना नीचे आया और एक ही बड़ी कैंडल आई और उसके बाद मार्केट को ऊपर ले गई। ऐसे यहाँ पर मार्केट ने ये किया, 5-6-7 कैंडल बनाए और 3-4 कैंडल में मार्केट ने बड़ा मूव दे दिया। तो कैंडल्स हमें ये बताती हैं जिस साइड की कैंडल हमारी बड़ी बड़ी बन रही हो, जिस साइड की कैंडल हमारी बड़ी बड़ी बन रही हो, समझो हमारा जो सेलिंग प्रेशर है या फिर बाइंग प्रेशर है वो उसी साइड में ज्यादा है। ये सिंपल सा फंडा है, ठीक है, इसको आप बैक टेस्ट करके देखिएगा। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, एक तो ये तरीका होगा कि मार्केट में बुलिशनेस ज्यादा है, अपसाइड में ही मूवमेंट रहने वाला है, ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। प्लस दूसरा तरीका क्या है, मैं रिमूव ड्रॉइंग कर देता हूं एक बार, अच्छा ये इसी से रिमूव होगा। दूसरा तरीका क्या है, आपको देखना है कि किसी अगर बड़े टाइम फ्रेम पर बुलिश कैंडल बन के पास हुई हो, एक मिनट, अगर बड़े टाइम फ्रेम पर बुलिश कैंडल बन के पास हुई है तो समझो मार्केट उसी दिन रहने वाला है, उसी डायरेक्शन में रहने वाला है। जैसे आज की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा जो पहली कैंडल है ये वाली 9 सितंबर की, ये वाली ये हैमर कैंडल है और ये बन के पास हुई है और कहां पर है, ये सपोर्ट पर है। अभी मैंने ड्रॉइंग रिमूव की तब ये वो रिमूव हो गया, यहाँ पर एक्चुअली सपोर्ट ही आप देखोगे यहाँ पे, तो ये वाला जोन यहाँ पे सपोर्ट का है, ठीक है, ये वाला जोन, ये आप देखोगे ये वाला जोन क्या है, सपोर्ट का है, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पर हुआ क्या है, जिस दिन मार्केट में सुबह ही मॉर्निंग में ही पहली दूसरी या तीसरी कैंडल तक आपको मान लीजिए कोई बुलिश कैंडल बन के पास हो गई है तो समझो मार्केट उसी डायरेक्शन में ज्यादातर मूव देने वाला है। क्योंकि होता क्या है, बड़ी कैंडल है ना, बड़ी कैंडल, जितनी बड़ी कैंडल पर आप चार्ट को एनालिसिस करते हो उतना ही बड़े एक मूव को कैप्चर कर पाते हो। और कैप्चर क्यों कर पाते हो, क्योंकि मार्केट बड़ी कैंडल के हिसाब से फिर बड़े टाइम फ्रेम और बड़ी कैंडल के अकॉर्डिंग मार्केट बड़ा मूव देता है। ऐसे ही आज का एग्जांपल है, ऐसे ही इससे पहले का फ्राइडे का देख सकते हैं आप, यहाँ पे हैमर, इन्वर्टेड हैमर जिसको शूटिंग स्टार ये बन के पास होगी मॉर्निंग में, मार्केट पूरे दिन नीचे रह गया, पूरे दिन नीचे रह गया मार्केट पूरे दिन। तो चार्ट के बेस पे ओनली हमने क्या देखा, इसमें कोई वॉल्यूम, कोई न्यूज, कोई ऑप्शन चेंज कुछ देखा, ओआई कुछ नहीं देखा, केवल हमें चार्ट बता रहा है कि कैंडल्स एक इतनी स्ट्रांग चीज है, अगर इनको आपको ढंग से देखना आ गया, ये कैंडल जो है ना इनका ही सारा खेल है, ये कैंडल नहीं है, ये लाल हरी पीली दिखती है ना, ये समझो पैसों की गड्डियां हैं, इनको समझो आप, यही सारा सब मार्केट चलाती हैं। अब देखो यहाँ पे जब मार्केट बड़ा मूव आया तो सुबह ये शूटिंग स्टार कैंडल के पास हुआ था और मार्केट मूव दे गया नीचे, अब यहाँ पे सुबह हैमर कैंडल पास हो गया ऊपर। तो ये बहुत सिंपल चीज है, आप इसको समझो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को इतना शेयर करो जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग सीखे और आपकी जो कम्युनिटी है, हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो और बढ़े, ठीक है। आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं ऐसी चीजें लाता रहूंगा आप लोगों के साथ और शेयर करता रहूंगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड एंड लर्निंग करते रहिए। कोई क्वेरी हुआ करे तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और आपको बता दूं अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप वहां से मेरे को कॉल भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड, जय हिंद, थैंक फॉर वॉचिंग।